आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी सिंगापुर के अंदर, लेकिन सिंगापुर में बकरियों का दूध और बकरी की डेयरी फार्म में देखा होगा। लो जी, यहाँ पर जो बकरी फार्म है ना, यहाँ का दूध पीते हैं सिंगापुर के लोग। वो देखिए, ये बकरियां हैं, मैं पूरा आपको फार्म विजिट करके दिखाऊंगा। हे डेयरी फार्म के नाम से है, हे डेयरीज प्राइवेट लिमिटेड ऐसा कुछ है इस पर लिखा हुआ, ये देखिए। और कितने रुपए लीटर बिकता है यहाँ पे सिंगापुर में बकरियों का दूध, कमाल की बात है जी। यहाँ देख के आप खुद चौंक जाएंगे, कहेंगे कि इतने रुपए महंगा या सस्ता, देखा खुद बताना। आप देख के कमेंट करके बताएंगे कि सस्ता है महंगा, मतलब लोग बकरियों वाले भी यहाँ खूब पैसे कमाते हैं। देखो जी, बकरियों से पैसे कमाने का भी बहुत अच्छा एक जबरदस्त तरीका बना हुआ है। इस तरह देखें ना, पूरा सिस्टम है यहाँ। बकरियों का दूध भी मशीनों से निकाला जाता है, ऑटोमेटिक मशीन है यहाँ। एक साथ में 12 बकरियाँ आती हैं और दूध निकलती हैं। 8 बजे शुरू होता है ना, 11 बजे 3 घंटे लग जाते हैं, इतनी बकरियाँ यहाँ पे हैं। ये दूध सप्लाई के लिए देखो जी, यहाँ गोट फार्म गाड़ी खड़ी हुई है, पूरा कूलिंग वूलिंग सिस्टम लगा रखा है यहाँ पे, गाड़ियों पार्किंग का। और ये इस तरह फार्म दिखाई मिलेगा, ये देखो विजिटर्स बहुत आते हैं यहाँ पे। ये गोट फीड के लिए $5 पर पैक, $5 फॉर वन पैक। एंड मिल्क प्राइस, ये गोट मिल्क $8 फॉर वन लीटर। दिस गोट मिल्क का ये रेट देखो जी, पहले फिर आपको डेयरी दिखाएंगे। ओरिजिनल चॉकलेट परचेज करेंगे $8 का, $400 आप समझो फार्म परचेज पे, $2.50 हो गया ये, $200 ml का, ठीक है जी। होम डिलीवरी भी है, $3 हो जाएगा होम डिलीवरी है, $9 हो जाएगा, $8 इसका प्राइस बढ़ जाएगा होम डिलीवरी के लिए। ये देखो डेयरी इस तरफ है, ऑर्गेनिक फार्म यहाँ बना रखे इन लोगों ने। यहाँ पे ये कोल्ड करने के लिए ठंडा है यहाँ दूध, क्योंकि यहाँ लोग खरीदने के लिए आते हैं। एग भी रखे हैं वैसे इनके। और ये है डेयरी फार्म का यहाँ पे, ये देखो जी, ये प्योर गोट मिल्क सिंस 1988 ये चल रहा भैया। ये देखो अभी चल के मैं दिखाता हूँ डेयरी आपको, कि कैसे एक बेहतरीन तरीके से गोट फार्म कर रखा है और कैसे यहाँ पे एक अच्छा खासा एक बिजनेस कर रखा है। मतलब लगभग समझो कि 450 रुपये किलो बकरियों का दूध बिकता भाई यहाँ, कमाल की बात है। ये देखो पूरा डेयरी फार्म का शेड है ना, ये ऐसा कुछ बना हुआ है, ठीक है जी। वी आर मूविंग, गजब बात है। अभी डेयरी फार्म के अंदर चलते हैं, विजिटर्स आते हैं यहाँ घास फूस खिलाते हैं, वो घास भी बहुत महंगा है इसको खिलाने के लिए। वाह, ये देखो जी इस तरफ से रास्ता बना रखा है, ऊपर सीमेंट की नहीं है, लोहे यही चादर डाल रखी है और लकड़ी का यूज कर रखा है। ये सफाई देखेंगे आप खुद कहेंगे एक नंबर ही सफाई कर रखी है, और सफाई करने का बेस्ट तरीका है पूरा, कोई बदबू नहीं है, कोई गंदगी नहीं फैल रखी है। और मक्खी देखो जी, एक मक्खी भी आपको दिखाई नहीं देगी यहाँ पे। ये देखो नीचे से दिखाएं ना, तो ये देखो ये नीचे का है पूरा क्लीननेस देखेंगे, बिल्कुल साफ है। और इसकी सफाई कैसे होती है वो भी दिखाऊंगा आपको मैं। इस तरफ मिल्किंग गोट है ना, वो यहाँ है मिल्किंग बकरी, इस तरफ है, इस तरफ ये भाई बांग्लादेश से है। तो ये देखो जी वहाँ इस फार्म की सफाई चल रही है बकरियों की, और बकरियों का पूरा जो है एक जगह जो है ये वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद ये साइड में कर देते हैं इसको। और यहाँ देखो बेस्ट तरीके से यहाँ घास फूस भी लगा रखा है, मतलब इतनी नीट नी क्लीननेस आप देखेंगे आप खुद चौंक जाएंगे भाई। बकरियाँ देखना आप कितनी बेहतरीन और तगड़ी बकरियाँ हैं, मतलब एक मस्त है ना। यहाँ पर बकरियाँ दिखाई देंगे और बकरियों का फीड भी दिखाएंगे, जो फीड खिलाते हैं वो ये लोग। ये देखो जी कैसा फार्म बना रखा है, इसमें ऊपर आप देखें नेट लगा हुआ है, इसके ऊपर शेड नेट बोलते हैं, वो शेड नेट है वैसे लोहे का है। इस तरह देखो जी बकरियां आप देख पा रहे हैं, तो 450 रुपये किलो बकरी का दूध बिकता है भाई, बताओ जी है कि नहीं कमाल का। अपने यहाँ कोई बीमार हो जाए तब भी 100 रुपये लीटर में देते हैं मैक्सिमम, नहीं 50-40 रुपये किलो, 450 रुपये, इतना बड़ा सिस्टम क्रिएट कर रखा है जी। ये देखो पूरा एक बिजनेस बना रखा है, मतलब 1988 से काम चल रहा है, 88 का मतलब 12 और समझो कि भाई 34 मिनट हो गए हैं, 34 साल हो गए लगभग। ये देखो जी ये बकरियां खाने के लिए आ गई हैं, ये छोटी बकरियां हैं,
बकरे हैं ये तो, मिल्किंग गोट देखते हैं इनका, सारे बकरे रखे हैं इसके अंदर तो। ये देख लीजिए छोटी बच्ची हैं इस तरह इसमें रखी हुई है। लोग यहाँ घास फूस खिलाने के लिए आते हैं इनको, इसलिए घास खा रहे हैं। देखो जी क्या बात है, आप देखो इन पर बिल्कुल आब आई हुई है, खिला पिला के एक नंबर के, मतलब अच्छा हेल्थ है इनका। ये देखो इनकी हेल्थ देखो आप, वो जी क्या क्या बात है जी, एक नंबर की, मतलब जबरदस्त सही बना हुआ है। इस तरफ देखिए, ये देखो मिल्किंग की कुछ बकरियां इसके अंदर हैं। ये कुछ मिक्स कर रखी है इसमें, ये देखो जी जो भी फीडिंग वीडिंग होता है ना, फीडिंग का सिस्टम इसमें है, इसमें फीड डालते हैं लोग, इसमें फीडिंग होता है। और नीचे भी जाल लगा रखा है, जाल के ऊपर रहते हैं, नीचे जो भी वेस्ट होता है इनका वो नीचे गिर जाता है। पानी पीने का सिस्टम आप देखेंगे ना, वो देखो पानी पीने की, ये मैंने पिग फार्म में देखा था, ऐसे निप्पल सिस्टम होता है, मुँह लगाओ पानी आ जाता है इसमें। ये देखो जी उस तरफ से दिखाता हूँ, ये है इसमें पानी का सिस्टम। ये फार्म में यहाँ से पानी पीते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम है पानी पीने का भी, जब जिसकी इच्छा हो पानी पी सकते हैं। फीडिंग का ये कर रखा है, और इसमें लास्ट में फीडिंग भी है, और सफाई भी हो रही है, सफाई भी कर रहा है नीचे, वो भी दिखाएंगे आप। इनकी क्वालिटी देखो जी कितनी, मतलब ये देखो हिरण के बच्चे से लग रही हैं। 2:48 हो गए हैं, वैसे इनको भूख लग गई अभी। ये देखो जी क्या बात है जी, इस तरफ आप देखो, यहाँ देखेंगे आप बकरियां मिल्किंग वाले, एक से एक गजब सुंदर। इसकी हेल्थ देखो बकरी की आप, और इसकी सुंदरता देखो, पीछे से आप देखेंगे इसका ऑर्डर देखेंगे। ये देखो जी इतना बड़ा ऑर्डर, कहाँ से दिखाऊँ अच्छे दिखे, ताकि ये मेरी तरफ मुंह फेर लेती है। रुक जा रुक जा रुक जा, ये देखो जी ये तो मतलब गाय के जितना बड़ा हो रहा है इसका ऑर्डर भी। अरे रुक जा रुक जा, ये देखो मतलब ये इनकी टॉप क्वालिटी है, टॉप ब्रीड ये बोलेंगे, वो ब्रीड है। ये देखो ये डेयरी फार्म में नीचे भाई सफाई कर रहे हैं, और सफाई करके नीचे सारी जो भी वेस्ट होती है ना, वो वेस्ट इसके बीच में यहाँ आ जाता है। ठीक है जी, फीडिंग सिस्टम देखेंगे आप, ये ट्रोलियों में फीडिंग है, ये फीड लेके, और ये सपरा जैसे ले रखा है, इसके अंदर से साइज़ के हिसाब से जितनी बकरियाँ उस हिसाब से इसमें डालते चले जाते हैं लास्ट तक, मतलब लगभग सारा काम सेमी ऑटोमेटिक है। ये इसका फीड है, इनको घास भी डालते हो, घास देते हो, घास 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 हाँ दिसम घास हाँ दिसम घास हाँ हैवा बस फीड देते हो हैवा ओनली फीडिंग हाँ ओनली फीडिंग है। अच्छा ये इसका वेस्ट यहाँ से निकल जाता है, हाँ मैं उस तरफ जाता हूँ एक बार। अच्छा इसको खोल लोगे आप, खोल लो खोल लो, हाँ हाँ दिखाना है, हाँ खोलो, कोई नहीं आप खोलो, ये दिखेगा इसमें, ये सारा वेस्ट जो भी हो सफाई करके भाई इस तरफ आ जाता है, और उसके बाद ये पानी ऐसे करके, ये देखो जी ये वेस्ट का सिस्टम पूरा आउटसाइड का रखा है उस तरफ। अच्छा भाई ये बताओ, ये जो पानी और ये जो होती है इनकी, इनका वेस्ट होता है, ये कहाँ यूज होता है, कहाँ यूज करते हैं इसको? हाँ वाटर, हाँ वाटर गोइंग फार्म के लिए नहीं, क्या इसका खेती में यूज होता है, फार्मिंग में? हाँ ये डू बी यूज इन फार्म वो नो 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 इज सो वेस्टेज ऑल दिशान पौधा मेनी मेनी है अच्छा पता नहीं भाई क्या
ये बांग्लादेश है और ये इस तरह फार्म बना हुआ है, और इनमें तीन शेड बने हुए हैं, एक शेड ये सामने इस तरफ हो गया, एक शेड हो गया उस तरफ हो गया, और एक शेड बना हुआ है इस तरफ आगे चल के। वहाँ जाने के लोगों ने मना कर रखा है भाई। ये देखो आप ऑर्डर देख लो, ये देखो जी, ये बकरी देखो, अब ये कितना दूध देती है बता, देख लो जी, गजब कमाल है भाई। सिंगापुर के लोग बताओ इतना महंगा दूध पीते हैं बकरियों का, और बकरियों का दूध मतलब इतना ज्यादा कॉस्टली है। वाह जी, कैसे लग रहा है भाई, कमेंट करके बताओ ये ऑर्डर क्वालिटी कैसी है बताओ। गजब है, ये देखो इनका हेल्थ देखो, हेल्थ इसकी जबरदस्त बनी हुई है इनकी, मतलब पूरा इनका केयर करते हैं, खाने पीने का इन लोगों ने डॉक्टर भी रखा हुआ है, और पूरा मिल्क भी टेस्ट होता है, जो बकरी बीमार हो जाती है उसको अलग से रखते हैं, इसके बाद में भी वो बकरी का दूध वगैरह कुछ भी यूज नहीं होता है, सिर्फ मिल्किंग पर्पज है और कोई पर्पज नहीं इनको रखने के लिए। ये देखो यहाँ लोग फीडिंग के लिए आ रहे हैं, मतलब यहाँ एक तरह से मतलब खेल है इन लोगों के लिए, टूरिज्म टूरिस्ट के लिए। ये देखो छोटे छोटे बच्चे, वाह देखो जी बताओ, ये बाहर निकलने का रास्ता इस तरफ से हो गया, और आगे चल के थोड़ा और दिखाता हूँ आपको मैं। और एग्जॉस्ट का दिखाया नहीं आपसे, यहाँ फैन लगा रखे हैं इसमें, आप देखेंगे ये फैन लगे हैं, इनसे पूरी हवा वेंटिलेट होती है, एक तरफ निकलती है इस तरफ आई पूरी पूरी इस तरफ निकल जाती है, ठीक है। पूरे फार्म में ऐसे ही बना रखा है, क्या बात है। मिल्किंग इसमें अंदर होती है, इनका मिल्किंग का टाइम 8 बजे का है, और अभी टाइम हुआ है, यहाँ देखो जी कुछ मिल्किंग गोट आपको यहाँ भी दिखेंगी, चलो 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 आओ आओ, वो देखो जी देखो मिल्किंग गोट सारी इस तरफ ही है, ये देखो क्या बात है, इसे कहेंगे भी ऑर्डर क्वालिटी। देखो सभी जो बकरी है ना जबरदस्त बनी हुई है, क्या बात है, ये देखो ये देखिए क्या बात है भाई, कैसा लगा सिंगापुर को डेयरी देख के, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर कर दें, लेकिन कमेंट करना बिल्कुल मत भूला करो, कमेंट जरूर किया करो।